गुड आफ्टरनून बेटा। बेटा आज इसी लेख करांगे महंगाई की समस्या के महंगाई है कि किसको आप महंगाई कहने हैं। यस बेटा ये जो है युग। हाँ जी बेटा युग। मैम, जदों जरूरतमंद वस्तुआं महंगियां मिलदियां ने ते इंसान दा गुजारा करना मुश्किल हो जांदा है। हाँ ठीक है। चीजा महंगी मिल गया। यस धर्म बेटा। यस मैम, जदों भ्रिष्टाचारी दे घपला खोरी दे कारण आम दिन नित वरतों दीआं चीजां दे दाम बढ़ा दित्ते जांदे हन, पर लोकां दी आमदनी उन्नी ही रहिंदी है, हाँ उसनूं महंगाई कहिंदे हन। वेरी गुड। जो कीमत चीजा दी कीमत वध गईयां पर उन्होंने इनकम जरा इनकम उन्नी ही रही। ठीक है गुड है। अच्छा ये तो महंगाई हो गया मतलब वस्तुओं दीआं कीमत का बदना महंगाई कहलांदा है। पर महंगाई बढ़ती क्यों पई है एदा भी कोई कारण होएगा कोई रीजन होएगा दसो बेटा। महंगाई वधने के केड़े कारण है जिन्हां कारना के महंगाई वध रही है। यस युग बेटा। हाँ जी बेटा युग। मैम, कई लोग काला बाजारी करते ने। काला बाजारी मैम, वो ना स्टॉक को एक बार क्या कहते हैं जब्त कर लेते हैं, फिर उसको एक बाद में बेचते हैं, जब किल्लत हो जाती है तो फिर महंगा करके बेचते हैं। समान जमा करके स्टोक करके रख लेते हैं। मार्केट में यह कहते हैं कि इस चीज की बाजार के बीच कमी हो गई है। जब किसी भी चीज की कमी हो जाती है नेचुरली उस चीज की जो मांग बढ़ जाती है डिमांड तो उस चीज की हो जाती है महंगी हो जाती है। वेरी गुड बेटा। एनी यस धैर्य बेटा। हाँ जी एनी अदर पॉइंट। मैम, भ्रष्टाचारी कारण हाँ भ्रष्टाचारी करके वेरी गुड। जो भ्रष्टाचार लोग है लालची हो गए उन्होंने महंगाई बढ़ती हुई है। प्रणय। यस प्रणय बेटा। आबादी कारण हाँ बढ़ती आबादी करके जी बढ़ती आबादी करके महंगाई किस तरह बढ़ रही है कोई एक्सप्लेन करेगा। बेटा देखो जो किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो जाती है मांग पर उस चीज की प्रोडक्शन है वो पैदावार घट होगी तो चीज की होगी महंगी होगी। नेचुरली जिस चीज की मांग ज्यादा है डिमांड ज्यादा है पर पैदावार घट है चीज की होगी महंगी होगी। वेरी गुड। एनी अदर पॉइंट बेटा। महंगाई वधन दा। वेरी गुड बेटा। युग प्रणय एंड हरेन। एनी अदर बेटा। काला बताना थे जमाखोरी धन ते जमा कृष्ण। हो। हाँ ठीक है। एनी अदर स्टूडेंट। महंगाई क्यों वध रही है। हाँ जी बेटा। आजू आजू अनम्यूट किया सर। आजू आजू कट प्रोडक्शन ते चीजा दे खराब होन, तो जिवें कि तूफान तो फसलां दा खराब होना। हाँ मतलब अगली चीजा काफी खराब हो जाती है ते प्रोडक्शन घट होने। चलो तो ठीक है। कोई होर पॉइंट दसो। महंगाई का कोई कारण दस सकता क्यों बढ़ रही है महंगाई। मिलावट मिलावट करके तो महंगाई का कोई वो नहीं है बेटा। महंगाई महंगाई मतलब वस्तुओं दीआं कीमतां दा वधना। अज पेट्रोल है 100 रुपये हो गया है। पेट्रोल डीजल दूध जिहड़ा कि 60-70 रुपये किलो है। हर चीज इतनी ज्यादा महंगी हो गई क्यों हो रही है रीजन दसना है बेटा। रीजन दसो ओहदा। यस रितिका। हाँ बोल बेटा रितिका। मैम, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचारी करके चलो गुड है। हाँ दलजीत। हाँ बेटा दलजीत। ग्रोथ घट हो रही है ते वधदी पॉपुलेशन दी डिमांड ज्यादा है। हाँ पॉपुलेशन करके आबादी करके चलो। हाँ जी युग बेटा। मैम, जालम सरकारा कारण हाँ गवर्नमेंट के करके सरकारी जिहड़े कि खर्चे ज्यादा वध रहे हैं सरकार टैक्स लगा रही है चीजा दे करके। अच्छा ये तो हो गया महंगाई वधन तुसीं कारण दसते। हुण इहदा जिहड़ा असर है किस लोकी ना लोकां ते पैंदा है जिन्हां इस चीज दा महंगाई दा असर है वो ज्यादा किन्हां लोकां ते पैंदा है। यस प्रणय। हाँ प्रणय बेटा। गरीब हाँ गरीब लोकां ते सीधा गरीब ते पैंदा है होर किसी ते पैंदा कि नहीं। चलो बुढ़े दलजीत।
हाँ जी दलजीत बेटा। मैम मेरा भी सेम आंसर ही है। डेरिन मैम आम लोगों पे भी पड़ता है। हाँ आम लोगों का दे मिडिल फैमिली ने भी पड़ता है, वो भी मेहनत करते हैं, जो उन्होंने चाहिए वो मिलता नहीं। गुड युग युग मध्यम वर्ग दे लोगों ते मिडिल फैमिली दे रही मिडिल फैमिली दे गरीब लोगों दे ते मध्य वर्गी लोगों दे रास ना महंगाई का ज्यादा पैदा है। ठीक है हूँ असि जो सारे पॉइंट दिते हैं तो कुछ होर पॉइंट नू लैके सारा कंबाइन करके आप लेख बनाओगे। ठीक है एक्सप्लेन मैंने अपने आप ही दसना है। ओके बेटा सब तो पहला आप हैडिंग करा महंगाई का मीनिंग पता चल गया ना। महंगाई का की मीनिंग है वस्तुआ दया कीमत हद तो वना महंगाई कहलाता है। पहला सब तो पहला आप कोटेशन लिखा ये वधती है सरकार तो बेईमाना कबलेकार तो भाव की जी महंगाई की समस्या है ज्यादा जी क्यों वध रही है सरकार दे करके गौरमेंट दे करके गौरमेंट के खर्चे इन्ने ज्यादा हो रहे हैं और टैक्स लगा रही हैं बेईमाना कबलेकार तो इस तो इलावा जो बेईमान लोग हैं कपले करने वाले समान स्टोक करके रख लेंगे उन्होंने करके जी महंगाई बढ़ती है। ओके क्लियर है। नेक्स्ट आप फर्स्ट हैडिंग करांगे भूमिका प्रदूषण के लेख की भूमिका लिखाई से ना दसिया से ना बेटा जेड़ा मर्जी लेख आए भूमिका सेम रहनी है दसिया से ना कौन सुनाएगा भूमिका बेटा एक्सप्लेन करेगा। यस रेज योर हैंड भूमिका लिखवाया से ना बेटा कि लेख प्रदूषण का जेड़ा मर्जी लेख आए दसिया की समस्यावान रिलेटेड भूमिका सेम ही रहनी है। यस प्रणय बेटा हाँ जी प्रणय बेटा भारत नूं आजाद होया किन्ना ही चीर हो गया है पर हले भी बहुत सारिया समस्या दा हल नहीं होया है जिवें गरीबी महंगाई आदि इह समस्या दिन प्रतिदिन वधदी ही जा रही हन। बुड्ढा सुन लो बेटा दोबारा भूमिका बेटा जी लाइन दसांगी जेड़ा मर्जी लेख आवे तुसी लिख सकदे हो भारत नूं आजाद होया। ठीक है भारत नूं आजाद होया किन्ना ही चिर हो गया है पर फिर भी बहुत सारिया समस्यावां खत्म होंदा ना ही नहीं लै रिया। केड़िया समस्यावां है वो सारिया समस्यावां दे नाम लिख लेने हैं जिवें गरीबी हो गया भ्रिष्टाचारी प्रदूषण दहेज प्रथा महंगाई जो आप लेख कर रहे। ठीक है सब तो वह जी भयानक रूप के समस्या ने लिया है महंगाई की समस्या ने लिया है यह समस्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। ठीक है नेक्स्ट आप फिर सैकेंड हैडिंग करांगे महंगाई का अर्थ मीनिंग जिदा प्रदूषण का मीनिंग किया से उदा ही महंगाई का अर्थ दसिया ना उन्हें की मीनिंग है दसो बेटा की मीनिंग है। हाँ जी रेज योर हैंड महंगाई का की मीनिंग है रेज योर हैंड बेटा महंगाई का की अर्थ है वस्तुआ दिया कीमता का महंगाई का की अर्थ है वस्तुआ दिया कीमता का हदों वध जाना हदों वध जाना महंगाई कहलाता है। मीनिंग की है वस्तुआं दियां कीमतां दा हद तों वध भाव कि बहुत ज्यादा वध जाना की कहलाता है महंगाई कहलाता है। क्लियर है हुण आपां थर्ड हैडिंग करांगे महंगाई वधण दे कारण किन्हां कारणां करके महंगाई जी समस्या है वो वध रही है। सारे पॉइंट दस ना उन्होंने पॉइंट्स में लैके आप हैडिंग बनावे। नेक्स्ट है महंगाई वधन दे कारण
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਭ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਕੀ ਹੈ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਵਧੇਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਪੂਰਤੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਪੂਰਤੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਨਿਰਯਾਤ ਆਯਾਤ ਨੀਤੀ ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ ਆਯਾਤ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਯੈਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ यस मैम मैम दोषपूर्ण निर्यात आयात नीति में ये ले सकते हैं कि जैसे गवर्नमेंट है और बहुत सारा वो आयात निर्यात पे बहुत सारा टैक्स लगा देती है जिस कारण चीज़ों के दाम देश में जाने तो पहले ही बहुत ही बढ़ जाते हैं तो जब उन्होंने रिटेलर्स में बेचा जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा दाम से बेचा जाता है रिटेलर्स आम तो गरीब लोगों को वध दाम से बेचते हैं जिस कारण महंगाई बढ़ती है मैम कि जिहड़े बाहर दे व्यापारी ने जदों अपने जिहड़े बाहरले देशां दे व्यापारी ने ओह अपने देश च वस्तुआं भेजदे ने ते उत्ते टैक्स लगदा है जिहदे नाल अपने देश दे सौदागर उहनां नूं महंगा वेचदे है ते इस कारण ए महंगाई दा वधदा कारण है ठीक है सुनो मैं इक वर्ड लगाया दोषपूर्ण ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਨਿਰਯਾਤ ਆਯਾਤ ਪ੍ਰਨੀਤੀ ਭਾਵ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜੋ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਲੈ ਲਓ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਮਸਾਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਮਸਾਲੇ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣੇ ਹੈ ਕਾਫੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 200 ਮੰਗਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਕੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਨਿਰਯਾਤ ਆਯਾਤ ਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਯਾਤ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰੀਏ ਬੇਟਾ, ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੁਣ ਥਰਡ ਹੈਡਿੰਗ, ਥਰਡ ਹੈਡਿੰਗ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ। ਅੱਛਾ, ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਦੱਸੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ? ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਕੀ? ਬਜਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਐਸੇ ਸੈਟ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਾ ਰੇਟ ਫਿਰ। ਕਵਰ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਕਵਰ, ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ, ਬਜਟ ਹੈ ਕੀ ਬੇਟਾ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ। मैम बजट जैसे कंट्री का होता है, हर एक आदमी का होता है, बजट होता है कि किसी के पास कितना पैसा है और वो उस बजट के हिसाब से, उस बजट के हिसाब से अपना खर्चा करता है, अपना मतलब कि घर बार चलाता है। अगर हम बजट कम है और खर्चा ज्यादा करेंगे तो वो हमारा नुकसान होएगा उसमें से। और हमारे देश में ऐसा ही होता है, बजट हमारा कम होता है हमारे देश में और जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो लाखों करोड़ों को खर्चे खर्चे करते रहते हैं। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਹਾਂ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀਕ ਮੰਥ ਦਾ ਬਜਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ? ਘਾਟਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਮਦਨ, ਆਮਦਨ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਖਰਚੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ, ਸੇਵਾ ਤੇ, ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਪੁਲ ਬਣਾਉਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਘਾਟੇ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਯੈਸ, ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ ਬੇਟਾ? ਘਾਟੇ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਯੈਸ ਯੈਸ ਬੇਟਾ। ਮੈਮ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਛਪਦੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਪਦੇ ਹਨ, ਯੈਸ ਕਵਰ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ मैम, जब हमारे देश में बजट कम आ जाता है तो फिर हमारी सरकार क्या करती है, नवे नोट निकालने शुरू कर देती है। और जब नोट एक्सेसिव रेट में काफी इंक्रीज बढ़ जाते हैं और हर एक इंसान के पास ऑटोमेटिकली जब नोट्स बढ़े हैं, हर एक इंसान के पास पैसा काफी आएगा और जैसे कोई दुकानदार है वो अपनी चीज महंगी बेचेगा, जैसे 10 रुपए की 15 रुपए की बेचेगा, क्योंकि उसके पास तो पैसा पहले से ही होगा, क्योंकि नोट बहुत ज्यादा छप चुके हैं हमारे देश में, है ना। इसलिए वो 10 रुपए वाला प्रोडक्ट 15 रुपए में भेजेगा,
बेचेगा वो जिसके से उसका प्रॉफिट हो सके, इसलिए एक तो घाटे का बजट पूरा कर ली सरकार, मीनिंग पता चल गया कि सरकारी खर्चे वध होना आमदन का घट होना घाटे का बजट हुंदा है। वह घाटे के बजट पूरा कर ली तो सरकार टैक्स लगाएगी, टैक्स तो इलावा की करेगी सरकार नवे नोट नवी करंसी जड़ी की है छपेगी, ठीक है छपेगी, जिस करके जो भी नवी करंसी छप जाती नवे नोट ज्यादा छप जाते हैं तो महंगाई बढ़ जाती है, अमीर होर अमीर ते गरीब होर गरीब हो जाते हैं जी, जो हर चीज पर टैक्स लग गया जिम्मे हम गवर्नमेंट ने किन्ने परसेंट टैक्स लगा दिता हर चीज पर, जो नैचुरली जो टैक्स लग गया तो वह चीज की हो जाएगी महंगी हो जाएगी। तुम्हें लगी घाटे का बजट की है, एक्सप्लेन कर लो बेटा। यस बेटा प्लीज फोन जो समझ आ गई बेटा घाटे का बजट की है तो ये करके महंगाई किस तरह बढ़ती है। ओके नेक्स्ट हम आप फोर्थ हैडिंग करेंगे महंगाई बढ़ रही है, एक्सप्लेन करो बेटा फाइनल जमाखोरी मतलब वस्तुओं को स्टॉक करके रख लेना। यस कवर लो। हाँ जी बेटा। यस मैम पता क्या होता है, जो कोई अमीर बंदा होता है वो दो नंबर की कमाई से पैसा इकट्ठा करी जाता है, टैक्स भरता नहीं है, पैसा इकट्ठा करी जाता है करी जाता है करी जाता है, जब उसके पास बहुत सारा पैसा हो जाता है और ऑटोमेटिकली जो उसका जो पैसा होता है वो ब्लैक का होता है और वो इनकम टैक्स के पास टैक्स वालों के पास पहुंचता नहीं है, हमारे देश की इन्वेस्ट हमारे देश में मतलब कि उसके उस पर ब्याज नहीं आता उस पैसे पे, वो मतलब कि वो पैसा सरकार के पास पहुंचता ही नहीं है कि सरकार डेवलपमेंट कर सके, इसलिए उसे बचत खोरी कहते हैं। चलो और भी है पर जमा खोर लगे कि समान नु जेड़ा कि गोदामा दे भी स्टॉक करके रख लेते हैं, जमा खोरी अपन ले लेंगे जेड़े समान है वस्तुआं है वस्तुआं नु गोदामा दे विच भर के रख लेते हैं, जिहड़े जमाखोर लोग हैं भ्रिष्टाखोर लोग हैं वो समान जिवें अनाज हो गया चावल हो गया होर भी जिवें फल सब्जियां हो गए वो गोदामां दे विच भर के रख लैंदे हैं ते मार्केट दे विच बाजार दे विच कह दिंदे हैं कि इस चीज की की हो गई है कमी हो गई है, ठीक है की कह दिंदे हैं कि मार्केट दे विच बाजार विच इस चीज की कमी हो गई है, जो किसी चीज की कमी हो जाती है उस चीज की कीमत की होती है बढ़ जाती है, ठीक है जमा कर लो गोदामा दे विच माल नू भर के रख लेंदे हैं उस चीज की जो कमी हो जाती है तो उस चीज की कीमत की होती है बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट सरकारी खर्चे, हम सरकार जिते इतने भी खर्चा करती है अपने को करती है नहीं ना, जिम्मे कितने कितने सरकार खर्चा करती है कानून से देश की सुरक्षा से कानून से हो गया देश की सुरक्षा से हो गया कोई सड़क बनानी है पुल बनाने हैं, ठीक है सड़क बनानी है पुल बनाने हैं या कोई नवी नवी खोजा करनी है रिसर्च न लेके ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬਿਸਕੁਟ ਦਾ ਪੈਕਟ ਲੈ ਲਓ ਚਾਹੇ ਕੁਰਕਰੇ ਲੈ ਲਓ ਚਿਪਸ ਲੈ ਲਓ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਯੈਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਯੈਸ ਹੈਲਨ ਬੇਟਾ
मैम एक बार सरकारी खर्चे रिपीट कर दो। सरकारी खर्चे सरकार कानून ते देश दी सुरक्षा ते सड़कां बनाउण दे लई पुल बनाउण दे लई ठीक है खर्चे करती है ते उना खर्चिया जिहड़ा भार है ओ सरकार जनता दे कोलो उना खर्चिया दा भार सरकार जनता दे कोलो टैक्स दे रूप दे विच वसूलदी है ओ वध तों वध चीजा उत्ते टैक्स लगाउंदी है जिस करके वस्तुआं दी कीमतां वधदियां जांदियां हन टोल टैक्स लगाए जांदे हन ठीक है बेटा धैर्य ओके एनी अदर पॉइंट बेटा कोई डाउट होवे ओके बेटा बाकी आपां लेख महंगाई वधण दे कारण कर लिए सुझाव आपां कल करांगे ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਮੁਹਾਵਰੇ 1-20 ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਸੱਸਾ ਭਾਵ ਠੀਕ ਹੈ 1-20 ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਰਥ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵੀ ਤੇ ਮੁਹਾਵਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੱਸਾ ਭਾਵ ਮੁਹਾਵਰੇ ਸੱਕ ਲਾਉਣੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢਣਾ ਸੱਕ ਲਾਉਣੇ अपना मतलब करना कुछ लोग अपना सक ही लाते हैं सप्पा नूं दुध पियाना दुश्मन की मदद करनी सप्पा नूं दुध पियाना दुश्मन की मदद करनी साह सुकना डर जाना साह सुकना डर जाना साह सत मुक जाना बेचैन होना साह सत मुक जाना बेचैन होना शर्म नाल पानी पानी होना बहुत शर्मिंदा होना सानू अजिहे काम नहीं करने चाहिए जिस नाल सानू शर्म नाल पानी पानी होना पवे साह विच साह आना किसी मुसीबत तो निकल जाना साह विच साह आना किसी मुसीबत विचों निकल जाना साखी भरनी गवाही भरनी झूठे आदमी की कदे भी साखी नहीं भरनी चाहिए सिर फेरना ना करनी सिर फेरना ना करनी जदों भी मैं उस कोलों अपने पैसे मंगा वो सिर फेर दिंदा है नैक्सट है सिक्का जमना प्रसिद्धि हासिल होना सिक्का जमना प्रसिद्धि हासिल होना ठीक है अज कल तो किसी का भी नाम लिखे ठीक है उसका सिक्का जमया होया है सिर चढ़ना मछरना एक होंगे सिरे चाढ़ना होंगे काम कंप्लीट करना सिर चढ़ना मछरना शरारती होना बच्चे अपने माता पिता दे ही सिर चढ़ते हैं सिर होना किसी भैड़े दे मगर पै जाना ठीक है किसी भैड़े दे मगर पै जाना जिवें जिथे ईमानदार बंदे नू आदर सत्कार देना बनता है उत्थे रिश्वत खोर दे सिर होना चाहिए है क्योंकि भैड़ी गल दे सानू मगर पै जाओगे असीं भैड़ी गल नू खत्म करना ही करना है सिर खुरकन की वेल ना होना बहुत बिजी होना काम विच रुझे होना सिर खुरकन की वेल होना काम विच रुझे होना अज कल तो मैनू सिर खुरकन की वेल ही नहीं है नैक्सट है सिर गिटिया विच देना शर्मिंदगी उठानी सिर गिटिया देना शर्मिंदगी उठानी जो चोर फड़िया गया तो उसने अपना सिर गिटिया नहीं दिता सिर ते पैना मुसीबत आ जानी सिर ते पैना मुसीबत आ जानी सिर देना जान कुर्बान करना सिर देना जान कुर्बान करना नेक्स्ट है सिर ना पैर होना निरा झूठ कोई उन्हें कोई व्यक्ति होंगे निरा झूठा होंगे सानू दी गल ते विश्वास नहीं करना चाहिए सिर फिरना पागल होना सिर फिरना पागल होना ठीक है जदों दा ओ नशिया दे मगर पिया है लगता है उसका तो सिर ही फिर गया है नेक्स्ट है सिर मरना किसी विगड़े हुए काम नू किसे दे मत्थे लाना सिर मरना किसे विगड़े हुए काम नू किसे दे मत्थे लाना सिर मत्थे मरना खुशी नाल मरना चंगे बच्चे हमेशा वड्डिया दी गल नू सिरे मत्थे मनदे हन सिर मुनना ठगना सिर मुनना ठगना अंधविश्वास विच पै के ठीक है उसका सिर मुनिया गया ये कल मेरा टेस्ट है गूगल फॉर्म दे विच 1-20 मुहावरे ते माता गुजरी जी ठीक है सब ने टेस्ट जरूर करना है
ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਰਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੇਅਰ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਲੀਡੇ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਪਲੀਜ਼ ਸੈਂਡ ਕਰੋ ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਬਾਏ ਬੇਟਾ